Hello. Say hello to everyone. Hello everyone. My name is Ayush Sharma. So cool at that. I'm here to eat all these food. No, not food. नाश्ता करने जा रहा हूँ आज मैं। आयुष नहीं आए थे तो बुरा लग रहा था बहुत। चाय बनाओगी? आज आया तो अच्छा लग रहा है। इस बात का मुझे बहुत खेद है कि क्योंकि कल दिवाली थी। कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। चाय बनाओगी तो बोल दिया। मैं ये कहता कि गाइज मुझे बहुत अफसोस है कि कल मैं अमीमा के बर्थडे में नहीं आ पाया, पर आज मैं आ चुका हूँ। तो मतलब वैसे आज तो मैं खाने आया हूँ। मैंने आपको मैसेज भी करा था। साढ़े चार से पहले कर भाई लोग ऐसे नहीं शूट करते, इसे ऐसे कर। जान ना, तू तुझे कुछ नहीं। पता नहीं है। और मैं स्मार्ट लग रहा हूँ आज। मैं दिवाली की फोटोज दिखाऊंगा आप लोगों को, अमीमा दिखा देगी। और मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूँ कसम से यार, फॉलो करे यार मेरे को। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है मेरा, इसका भी नहीं है। ये बैठी हुई है इधर ना धो के। अच्छा गाइस एक बात बताओ, इसके बाल क्यों खुले हो सकते हैं? पता है क्यों? क्योंकि आज नहाई है ये। जा, यही बताती रहती हूँ। कोई बात नहीं, हमें ऐसी सही है, ऐसी बढ़िया है। क्यों अमीमा, जैसे हम ब्लॉग शूट करेंगे वैसे अच्छा होगा। हाँ क्या पता नहीं। किशमिश ले ली तू, दो ले ले। और दो क्यों ले ले? बेफालतू है। चलो गाइस यहाँ थोड़ा मैं लड़ाई कर लेता हूँ, पहले मेरी किशमिश ले लिया इन्हें, ठीक है? सो हे गाइस, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आयुष भैया के दिवाली के फोटोज के। वो कितने स्मार्ट लग रहे थे, मतलब अच्छे लग रहे थे, वो काफी अच्छे लग रहे थे। तो आगे कंटिन्यू रहिए, देखिए मैं फोटोज दिखाऊंगी इनके। अब भी तो मैं हूँ, Happy birthday to you. Hey, इससे आगे गाइस मेरे को आता नहीं है, वरना मैं पूरा गाता। इतना ही है शायद। ओ अंकल को ही ला मैं पहले। ओ कैसा लगा बेटा? उधर नहीं है वो जिस पे आलू पैटीज वगैरह भी मिलती है? हम बंगड़ा से लाया है जो ऐसे मेरे को ब्लॉग भी नहीं पता ना। बांग्ला पेस्ट्री शॉप नहीं, पलक वाले, उन्हीं पे आलू पट्टी। बोल बोल के सबको स्कीम बता दे। दो कुछ नहीं, हमारे पुराने घर की साइड से। अरे इधर नहीं, नहीं नहीं पाठशाला साइड से। अरे सब्जी मंडी के पास नहीं है वो? हाँ वो बांग्ला, ये डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ पे? जे ब्लॉक में। बता दे सबको एड्रेस। प्रमोशन कर रहे हो डॉल्फिन वालों का। यार तेरी ट्राइसेप सारा भाई का। भाई देखिए मत करा कर, तू बाइसेप ट्राइसेप और फ्राइसेप। फ्राइसेप नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो फ्राइड राइस होते हैं। हेलो गाइस चाय पी लो। अभी मुंह से ही बाहर आया था। फिर कोई पीना भी पसंद नहीं करता। बोलो क्या कहते हैं आयुष के, में आपको मेरी शायरी गाइस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बोलिए। वो जो शायरिया हमने लिखी थी, मतलब हमने नहीं लिखी थी, नहीं हमने नहीं लिखी थी, हमने आपको पढ़ के सुनाई थी, जिसने भी लिखी थी वो। तो कैसी लगी आपको शायरिया हमें जरूर बताइएगा, और या तो अम्मी माँ को इंस्टाग्राम पे डीएम करिए या फिर कमेंट करके बताइए। बहुत इच्छा है हमें जानने की।
स्पीक इन इंग्लिश वेट आई एम फाइंडिंग वर्ड्स टू भाई इतनी देर में तू मुझे हिंदी में बता दे क्या बात है वेट अ मिनट यू बुलशिट आई विल join you बस पर कहाँ join करना है where you can join me join us at Agra no at your In home Agra. we go Agra together हमने English की पूरी अच्छी घूमने को क्या बोलेंगे घूमिंग एंड नो घूमिंग नहीं होता घूमने को कुछ कहते हैं घूमिंग कैसे नहीं साथ में घूमेंगे सब लोग जय बोलेगी हाँ ये सही है हाँ हिंदी वहाँ मेरे कस्टमर्स होते थे इसका नाम चेंज कर दूँ कॉन्टैक्ट में अभी फान वन मैं केक खा रहे हैं थैंक यू पता है चॉकलेट और ये वाला मिक्स करके बहुत अच्छा सा टेस्ट आया दोनों ही चॉकलेट थे पर अलग अलग चॉकलेट है वो डार्क चॉकलेट पता तो नहीं है खाया था बंदा बैठे और व्लॉग चालू हो गया इसलिए थोड़ी बहुत अकल बांट रही है और ज्ञान देती रहूं व्लॉग में पूरे दिन हम कर रहे हैं लंच कितने बजे 4 बजे क्योंकि हम हैं आयुष भाई के साथ ये दाल है आयुष भैया तो नहीं राइस है और ये रायता है और उसका कड़ा यहाँ रह गया इतना दिमाग है इस पे ही है अल्लाह ने इसे दिया आयुष अचानक से या तो उस पे स्मॉल लाइट का असर हो गया होगा इसका बड़ा कड़ा यहाँ रह गया हो गया इस कड़े से मैं किसी के भी दांत तोड़ सकती हूँ चलो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं खाना जब अल्लाह कल अकल बांट रहे थे कहाँ थे तू ये बता दे तो लेट्स स्टार्ट हम करते हैं अल्लाह आयुष वापस विजिबल हो गया उसका कड़ा अभी बैठ जा आयुष उसका कड़ा आप विजिबल हो चुके हैं ना ये सब लोग देखेंगे उनने ये मैं हूँ और ये हम लंच कर रहे हैं आयुष भैया ये प्लेट फूट जाएगी वहाँ बैठ जाके मेरी प्लेट अरे नींबू डाल नफरत का शरबत मोहब्बत के शरबत से ज्यादा बिकेगा ये वहाँ पे बोल के आई जाऊँ मस्जिद में मोहब्बत की शरबत बाद से आपको नफरत का शरबत ट्राई करना चाहिए दे ईटिंग दाल चावल दे बोथ ईटिंग राइस एंड दाल को क्या कहते हैं दाल दे बोथ ईटिंग राइस एंड दाल बोलो वो तो मेरे से बेकार बोल रही है खाइंग यस मैंने तो खा लिया है गाइस मैंने खाना खा लिया है अब ये रहेगी शाम को ये बेकार खाना है दोबारा बनाओ दूसरा इसका ये काम है शाम को ये नहीं खा सकती है क्या मुझे शाम को दाल चावल खाना है काम करो आप मेरे घर चलो रोज की नौटंकी है और मैं अपनी मम्मी को भेजता हूं यहां पे मैं मम्मी का तो खाना खाइयो तो सर खोल के 4-5 बच्चे नहीं यार इसका निकाह हो गया होगा हां कौन करेगा इससे निकाह वो तो अलग बात है कि कोई ना मिले वही तो कह रहा हूँ पर अंदाजे से देखा जाए तो हो सकता है वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं होगा लेकिन पर ठीक होगा अब भी क्या बेइज्जती हो रही है कैसा लग रहा है आपको अपनी लड़की कौन देगा तो करनी ही नहीं है
मुझे तो करनी ही नहीं है। अब तो तू यही कहेगा, जब तुझे कोई अपनी लड़की देगा ही नहीं तो कहेगा मुझे करनी ही नहीं है। तोबा, मैं तो अभी नहीं कह रहा हूँ, करनी नहीं है। हाँ तुझे लेके कौन जाएगा अपने साथ, कोई ना लेके जाए तुझे। हाँ ये और कहेंगे कि पूरे दिन रील बनाती रहेगी। सबसे बेस्ट है शेफ से शादी कर लो ताकि खाने को अच्छा मिले। हाँ बस इसलिए भूखी लड़की देखे कह रही है शेफ से शादी कर लो। इसको देख लो, अभी देख लो इसे, बाद में दिखेगी नहीं। एक किशमिश है और एक बादाम बताओ सपना। नहीं यार सब क्यों, मैं बता देती हूँ। तो गाइस इसे सपने में आया कि मैंने एक मिठाई की स्लैब भेजी और जैसे ही ये गेट से एंटर हुआ इसने मुझसे पहली बार कहा भाई तू मुझे वो मिठाई खिलाई थी, तूने नहीं खिलाई। अब वो सपना था, बाद में इन्हें खुद ऐसा रियलाइज हुआ मिठाई की भेजी मेरे को और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर मिठाई थी, तो मेरे को मन कर रहा था कि खाऊं मैं उसे। यार सपना था वो। अगेन हमारा शायरी सेशन स्टार्ट। ये दोनों आज फिर किसी की कैप्शन का मजाक बनाते हुए मिलाने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लो गाइस, क्या पता गुजरा होगा कल मिल जाए। अच्छा ये सब छोड़ो भैया, शायरी सुनाओ आप अपनी। मैं सुनाती हूँ। उसकी आवाज में बड़ी अच्छी लगती है, उधर कैमरा उधर। एक सेकंड में जरा एक बार पढ़ लो, कभी कुछ और लिखाओ। शायरी आई है हमारे पास, हम आपको पढ़ते सुनाएंगे पर किसी को बताना मत हमने ये वाली शायरी पढ़ी है, ठीक है ब्लॉग पे। तो कहते हैं कि पलकों में कैद कुछ सपने सपने हैं, कुछ बेगाने होके भी अपने हैं। वाह 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 वाह। ना जाने क्या कशिश है इन ख्यालों में, आप हमसे दूर होके भी कितने अपने हैं। माय गॉड, तुम्हारी नजरों में तो आज की दौड़ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस भाई है। और आगे भी है स्क्रॉल। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ नहीं छोड़ो। सुनाने जा रहे हैं भैया अपनी शायरी। ये शायर ये बहुत अच्छी अच्छी शायरी लिखते हैं, सच में लिखते हैं। इनका पेज है अल्फाज, फॉलो करिएगा। अरे सॉरी, मैं शायर तो नहीं पर तुम्हें देख। आप शायरी सुनाओ, सुना रहे हैं कोई हंसेगा नहीं। हाँ सुनाओ यार, तू पढ़ दे यार प्लीज। नहीं यार इनके पढ़ने में ज्यादा वो होता है, अपनी शायरी खुद नहीं पढ़ी जाती पता है, थोड़ा एक्टिव होके पढ़ना। नहीं आज मैं रोके नहीं सोया, नहीं मैं कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं खोया। भगवान ने शायद मुझे सब चीजें ठीक दे दी, मगर समझदारी का पन्ना मेरी किताब में नहीं पिरोया। वाह 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 वाह। मेरी हस्ती आके भी अब नहीं आएगी। ये रिंगटोन कैसे लगा दी मैंने? आज मैं फोन उठाता है इंसान पहले, वो कह रहे हैं रिंगटोन के ओए। बाप दी तेरे है क्या? बाय बाय आयुष, भैया जा रहे हैं। माय गॉड इतनी इज्जत, ऐसा बोलते हैं कि मैं जल्दी आऊंगा। यस मैं जाके आता हूँ। हाँ मतलब वही जल्दी आना फिर। अच्छा ओके आंटी, बाय आयुष, बाय।
बाय। अभी हम आए हैं तुराब नगर कुछ शॉपिंग करने और यहाँ बहुत भीड़ है, बट यहाँ पे ड्रेसेस अच्छी आई हुई हैं क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है। यहाँ पे शॉपिंग और ये गाउन वगैरह हैं। नहीं फिलहाल हमारे कपड़े हो गए हैं रेडी। अभी हम जब ये आउटफिट्स पहनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से किसके हैं। हम आपको मिलते हैं इंशाल्लाह रेडी होने के बाद या फिर उसके बीच बीच में भी। आप व्लॉग में कंटिन्यू रहिए और देखते रहिए हम लोग क्या क्या। तो अभी मैं कर रही हूँ आप के हेयर स्ट्रेट चिमटा। पता है ये हेयर स्ट्रेटनर होता है, कोई मुझे कमेंट में ये मत बोलना कि ये भी नहीं पता। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और अम्मी हो रही है रेडी। अरे पूरा फोटो भी कैसा लगेगा, मतलब ये ड्रामा खत्म नहीं होगा कि मैं पूरा खोलता हूं। तो ये डैडी भी हो चुके हैं रेडी। हाय रेडी, अरे उड़ी कैसे हैं, इसका चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई इसके। गाइस आई एम रेडी और हेयर अप्पी बिल्कुल रेडी नहीं, ये ऐसे घूम रही है। अम्मी भी रेडी हो गई, डैडी भी रेडी हो गए हैं, पहन लिए ड्रेस और अभी वो अपने मुंह पे 220 किलो मेकअप थोप रही है। सौरभ भैया की लैंग्वेज वो ऐसी कहते हैं ना। तो अप्पी अभी रेडी होगी है, जब हम रेडी हो जाएगी अभी तब मिलते हैं इंशाल्लाह आपको। हाय हाय गाइस, गाइस जो हमने आयुष भैया के साथ केक कट करा वो व्लॉग आने में काफ़ी टाइम लग गया, तो उसके लिए सो सॉरी गाइस। एंड ये जो वेडिंग व्लॉग है ये कल का ही है एंड अभी इसमें मैंने आपको जिन भैया से मिलवाया वो मेरे भैया हैं, फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं, बहुत अच्छे हैं, निखिल भैया उनका नाम है एंड काफ़ी अच्छे हैं वो। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लग रहा है सबसे पहले आप ये बताइए। और गाइस मैंने उस वेडिंग के कुछ फोटोग्राफ मतलब वीडियो या शूट वगैरह कुछ नहीं करा बिकॉज कुछ रीज़न था एंड वो रीज़न नहीं बता सकती। तो मैं आप लोगों को फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, मैं आपके साथ फोटोग्राफ्स शेयर करती हूँ, तो आप फोटोग्राफ्स देखिए बहुत ही अविसम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा वो फोटोग्राफ्स कैसे थे। गो सो गाइज आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आई मीन बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, ठीक लगा होगा, बुरा लगा होगा, जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि व्लॉग कैसा था और शेयर भी करिए। आई नीड माई सब्सक्राइबर्स मोर गाइज, शेयर करिए बिकॉज आई वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं ऐसे फेस बना के कह रही हूँ ताकि सब शेयर कर दें। सीरियसली मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मैं बहुत इंटरेस्ट है मुझे इन व्लॉग्स वगैरह में एंड व्लॉग्स में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे एंड रील्स में इन सब में। तो मैं व्लॉग्स बना रही हूँ आप सबको दिखाने के लिए कि हम लोग क्या क्या करते हैं, आप सबके साथ शेयर करने के लिए, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे 624 सब्सक्राइबर्स हो गए एंड अल्लाह ऐसे ही मुझे आगे सब्सक्राइबर्स बढ़वाते रहें। थैंक यू सो मच जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, और अभी भी आप न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, मेरे को बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं आपको इस बार मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक व्लॉग के साथ, एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं बट आए मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आप लोगों के पास व्लॉग आ सके
अब मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर सकूं कोई अच्छा सा एंटरटेनमेंट सा बढ़िया सा रॉक सा, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ब्लॉग शेयर करूंगी। मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करिए सब के सब। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।